दोस्तों यहाँ पे SBI बैंक ने तीन कार्ड एक पर्सन को मिल गया, वो भी अलग अलग लिमिट के साथ। पहले से इनके पास FD वाला कार्ड था, फिर भी इनको अलग अलग लिमिट के साथ और कार्ड मिल गया, मतलब तीन कार्ड हो गए। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि SBI जो है अपने कार्ड की लिमिट को कब मर्ज करता है और अधिकतर लोगों की लिमिट मर्ज क्यों नहीं होती है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे SBI कार्ड जो है पहले से FD वाला था और सामने वालों को और कार्ड मिल गया, मतलब कि तीन कार्ड हो गए। और लिमिट की बात करूं तो हाई लिमिट मिल गया आपको, मैं स्क्रीन पे दिखाया हूं। अब इनसे 15,000 रुपए और मांगा जा रहा है कि आप 15,000 रुपए दे दो, किस चीज का। दोस्तों यहां पे होता क्या है कि जो अलग अलग कार्ड इनको मिल रहे हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनका पहले का था, उसको क्लियर करने के लिए बैंक बोल रहा है। अगर आपके कार्ड की ज्वाइनिंग फीस ज्यादा है तो भी आपके आउटस्टैंडिंग में ऐड होता है, जो आपको बैंक को पे करना चाहिए। अब यहाँ पे तरीका आपको बता दूं कि ये जो अलग अलग लिमिटेड कार्ड मिल रहा है, मर्ज नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है कि SBI जो कार्ड आपको देता है उसके लिमिट मर्ज इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपको तीन कार्ड देगा तो तीनों कार्ड से आपसे ज्वाइनिंग फीस जो बैंक के रूल है चार्जेस है वो आपसे वसूली करेगा। अगर आपके पास दो कार्ड है तो दो कार्ड से आपसे वसूली करेगा, मतलब कि ये अगर आपकी लिमिट मर्ज कब करता है, जब आपकी सर्वे में प्रॉब्लम होती है, आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लिमिट आपकी मर्ज करती है। वैसे जो SBI कार्ड है एक प्राइवेट एजेंसी चलाती है, मतलब कि आपको पता है कि आपको लगता हो कि SBI कार्ड गवर्नमेंट का है, सरकारी है, नहीं भैया ये आपका एक प्राइवेट एजेंसी चलाती है, ये आपका किसी टाइप का गवर्नमेंट या सरकारी नहीं है, बैंक तो है बट आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये एक प्राइवेट एजेंसी चलाती है। इससे मैंने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा है, मैं आपको जरूर बनाकर दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको अगर लिमिट मर्ज नहीं करवाना है तो आप थोड़ा सा सिविल पे ध्यान दीजिए। और इसके बाद SBI कार्ड अगर आप अलग अलग ब्रांड के अप्लाई करते हैं तो आपका लिमिट शायद मर्ज ना हो। और काफी लोग कैसे हुआ, मेरे पास भी खुद ही जो है 2 से 3 कार्ड हैं, एक कार्ड हमारे पास बहुत पुराना है, 2 कार्ड का लिमिट अलग अलग है, मतलब कि हमारी भी लिमिट मर्ज नहीं है। जब कार्ड का एक्सपायरी खत्म होगा तो शायद बैंक उसको मर्ज कर दे, अभी तो मर्ज नहीं है, मैं काफी टाइम से आप लोग को बता रहा हूं। तो SBI ने ये नियम काफी लोग के लिए लाया है, काफी लोग को इस तरह से कार्ड मिला है। आप बताना कि आपके पास कितने कार्ड है, क्या आपकी लिमिट मर्ज हुई कि नहीं, अपनी कमेंट में जरूर देना। और जो SBI का एक फीचर मुझे काफी यूनिक लगता है कि लिमिट को मर्ज नहीं करते, कस्टमर को 2 कार्ड 3 कार्ड 4 कार्डे दे देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। और लिमिट की बात करूं तो किसी में 1 लाख प्लस, किसी में 1.5 लाख प्लस, इस तरीके से लिमिट दे दिया। तो भाई इतना बड़ा लिमिट देने का मतलब क्या है, आप खुद दिमाग लगाइए। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपसे अगर बैंक आपको अलग अलग कार्ड देता है तो आपसे अलग अलग वसूली भी करेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।